हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप में से कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं इनविटेशन के बारे में। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इनविटेशन का। पहले तो फॉर्मेट समझ में नहीं आता, पर्पस क्या है वो समझ में नहीं आता, एंड टू टॉप इट ऑल उसमें लैंग्वेज क्या यूज करनी है वो समझ में नहीं आता। सो डोंट यू वरी, ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम ये सारे टॉपिक्स, ये सारे क्वेश्चंस हम क्लैरिफाई करेंगे। ऑल राइट, मैं कोशिश करूंगी जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे सकती हूँ मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, जस्ट इन केस कि फिर भी हमारा कुछ छूट जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारी बच जाती है, उसके लिए आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो। ऑल राइट, सबसे पहली चीज जो हमको इन्विटेशन के बारे में समझनी है वो ये है कि जब हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बी इट द 11th क्लास और द 12th क्लास, ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो पिन पॉइंटेड होता है। उसमें अगर आपने कोई एक छोटी सी मिस्टेक कर दी सो यू हैव अ चांस ऑफ डिडक्टिंग मार्क्स। ऑलराइट, तो मैं आपको जो फॉर्मेट बताऊंगी वो फॉर्मेट बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से चलेगा। किस पॉइंट पे हमको कितने मार्क्स मिल सकते हैं और कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा सा हम स्किप कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। सो लेट अस स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम। ओके, सो व्हाट एन इनविटेशन इज। इनविटेशन इज अ काइंड ऑफ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आमंत्रण। सो इनविटेशन एक आमंत्रण है। आमंत्रण किसी भी चीज का हो सकता है। इट कैन बी अ हाउस वार्मिंग पार्टी, इट कैन बी अ बर्थडे पार्टी, इट कैन बी एन एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, ठीक है, इट कैन बी अ मैरिज फंक्शन। बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं। आई एम श्योर आपको भी आपकी लाइफ में बहुत सारे इन्विटेशन मिले होंगे। कभी आपके फ्रेंड ने आपको मूवी देखने के लिए कहा होगा, कभी आप अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए होंगे, आपने बहुत सारे मैरिज फंक्शन अटेंड किए होंगे। सो वन थिंग दैट यू शुड नोटिस अबाउट इट इज, अगर आपका फ्रेंड आपको मूवी देखने के लिए बुला रहा है तो इट कैन बी अ सिंपल टेक्स्ट मैसेज, इट कैन बी अ सिंपल फोन कॉल। वो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में कुछ नहीं देता, वो आपके लिए इन्विटेशन कार्ड नहीं छपवाता टिल द टाइम कि वो कोई फॉर्मल फंक्शन करना चाह रहा है। सो यहां इस पॉइंट पे हम ये बात समझते हैं कि जो हमारा इन्विटेशन है, हमारा इन्विटेशन दो तरीके से काम करता है। वन इज योर फॉर्मल इन्विटेशन एंड द अदर इज योर इनफॉर्मल इन्विटेशन। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि इन्विटेशन चाहे आपका फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, उसमें इनवाइटीज बहुत होते हैं। इनफॉर्मल इन्विटेशन हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल को दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी लोगों को नहीं बुला सकते। ऑलराइट, सो इनफॉर्मल इन्विटेशन में आपके जो नंबर ऑफ इन्वाइटीज हैं वो आपके ओकेजन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप एक इंडिविजुअल को बुला रहे हो या बहुत सारे लोगों को बुला रहे हो। लेकिन जो फॉर्मल इन्विटेशन होगा, फॉर्मल इन्विटेशन हमेशा बहुत सारे इन्वाइटीज के लिए किया जाता है। दूसरी चीज, फॉर्मल इन्विटेशन हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में होता है। दैट मीन्स दैट जो भी इन्विटेशन आप डिसाइड कर रहे हैं वो प्रॉपरली प्रिंटिंग प्रेस में जाता है और वहां से प्रिंट होके आता है। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है वेडिंग फंक्शन कार्ड। कभी भी किसी की भी वेडिंग होती है, शादी होती है, वो अपना शादी का कार्ड आपको देने आता है। तो वो जो शादी का कार्ड होता है इट इज नेवर हैंड रिटन, करेक्ट, इट्स ऑलवेज इन अ प्रिंटेड फॉर्म। तो वो जो शादी का कार्ड है वो प्रिंटिंग प्रेस से छपके आता है। सो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मल इन्विटेशन होगा इट इज ऑलवेज इन द प्रिंटेड फॉर्म। और जो दूसरी चीज ध्यान रखने वाली है दैट इट इज अ इन अ बॉक्स स्टाइल, एक कुछ इस तरीके का बॉक्स बना होता है, ठीक है। ये बॉक्स डिफर कर सकता है, हो सकता है स्क्वायर शेप में है, हो सकता है रेक्टेंगुलर शेप में है, हो सकता है किसी और शेप में हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन मैक्सिमम ये बॉक्स स्टाइल में ही होता है। आप शादी का कार्ड देखते हैं, शादी का कार्ड कोई इतना लंबा शादी का कार्ड होता है, कोई इस तरीके से होता है, कोई फोल्डिंग वाला शादी का कार्ड होता है। सो शेप कुछ भी हो, लेकिन जो कंटेंट होगा, जो मैटर होगा, जो लिखा हुआ इनविटेशन होगा वो हमेशा बॉक्स के अंदर होगा, ठीक है। तो जब भी आप कभी भी आप अपने घर में कोई इनविटेशन, मैरिज फंक्शन का इनविटेशन उठा के देखेंगे, बिकॉज दैट इज द आइडियल एग्जाम्पल फॉर एन फॉर अ फॉर्मल इनविटेशन।
तो जब भी आप मैरिज फंक्शन का कार्ड उठाएंगे, उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, आउटर शेप कैन बी एनीथिंग, लेकिन अंदर जो कंटेंट होता है, प्रोग्राम के बारे में जब बताया जाता है किस टाइम पे डिनर है, किस टाइम पे हल्दी हाथ होना है एंड सो ऑन, वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर होता है. सो दिस इज द की पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट फॉर्मल इन्विटेशन. वहीं जब हम इनफॉर्मल इन्विटेशन में आ जाते हैं, सो इनफॉर्मल इन्विटेशन इज ऑलवेज रिटन इन अ लेटर स्टाइल. इनफॉर्मल इन्विटेशन हमेशा हम लेटर स्टाइल में लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल टच आ जाता है. ये कंप्लीटली फॉर्मल होगा, इसमें आप पर्सनल टच देने की कोशिश भी नहीं करते. इनफॉर्मल में काफी हद तक पर्सनल टच दिया जाता है, पर्सनल लैंग्वेज यूज की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यार और ये सब वर्ड्स पे उतर आए. ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी फॉर्मल इनविटेशन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, और दूसरी चीज जो है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी बता दूं कि चाहे आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, चाहे आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं, देयर इज अ वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स. आपका जो भी इनविटेशन होगा, आपको उसको 50 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है, अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो. तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन की, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको फॉर्मल इनविटेशन में डालनी चाहिए, और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हमको कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए. क्या होता है कि जब हम इनविटेशन लिखने लगते हैं, कई बार हम क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पाते कि फॉर्मल स्टाइल में लिखना है या इनफॉर्मल स्टाइल में लिखना है, और वहीं पे मैक्सिमम हमारी गलतियां हो जाती हैं. ठीक है, तो उन गलतियों को कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट बोर्ड पे लिख के दे रही हूँ, सो दैट इन केस दैट यू थिंक दैट अ स्क्रीनशॉट इज रिक्वायर्ड, आपको कोई नोट्स बनाने हैं, यू कैन इजीली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ऑलराइट, सो इट इज एज पर योर चॉइस. सो बात करते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक की. यहाँ पे दो चीजें ध्यान में आपको रखनी है. Meant for a lot of invitees. जैसा मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि formal invitation ज्यादातर cases में बहुत सारे invitees को invite करने के लिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को individual invitee को आप नहीं बुला सकते. वो केस भी होता है जहां पे आप किसी एक इंडिविजुअल को बहुत फॉर्मली इन्वाइट कर रहे हैं किसी फॉर्मल टाइप के फंक्शन के लिए. वो केस को हम बाद में बात करेंगे, अभी हम पहला केस लेके चलते हैं. पहला केस है द फॉर्मल इन्विटेशन विच इज मेंट फॉर अ लॉट ऑफ इन्वाइटीज. तो इसमें हमको क्या क्या ध्यान में रखना है. पहली चीज है रिटन इन द थर्ड पर्सन. जब हम इन्विटेशन लिख रहे हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, समझ में नहीं आता कैसे लिखें. सो द लैंग्वेज इज ऑलवेज इन द थर्ड पर्सन. अब थर्ड पर्सन कौन होता है, आपको मालूम होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम तीन पर्सन के थ्रू बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. सो ये जो थर्ड पर्सन होता है वो है वी, अस, दे, देम, देयर्स. ओके, सो जब भी हम दे, देम, देयर्स इस तरह से बात करते हैं, वो हमारा होता है थर्ड पर्सन. वीआईपी नेम मस्ट अपियर प्रोमिनेंटली. वीआईपी का नाम बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में क्लियरली नजर आना चाहिए. क्यों? क्योंकि वीआईपी एक तरीके से मेन अट्रैक्शन है आपके किसी भी तरह के फंक्शन में. ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है, ऑब्वियसली एक वीआईपी या कोई चीफ गेस्ट जरूर आता है. ठीक है, अगर हम इनॉग्रेशन की बात कर रहे हैं, स्कूल का इनॉग्रेशन है, किसी शॉप या फैक्ट्री का इनॉग्रेशन है, तो वहां पे वो जो रिबन काटने के लिए एक आदमी को बुलाया जाता है, तो वो रिबन काटने वाला इज द वीआईपी फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन. तो इसीलिए उसका नाम बहुत बड़े बड़े अक्षरों में प्रोमिनेंटली हमको अपने इनविटेशन में लिखना होता है. ऑलराइट, नेम ऑफ द इनवाइटी इज नॉट इंक्लूडेड. यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद. Name of the invitee in a formal invitation is not mentioned. उसकी कोई जगह नहीं है formal invitation में. Okay? Simple present tense में आपका invitation लिखा जाता है. For example, the school is organizing its annual function on such and such date. या फिर
देर इज अ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ जनरल स्टोर. सो देर इज एन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ जनरल स्टोर. सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें प्रेजेंट टेंस का दूसरा कोई फॉर्म यूज नहीं होता. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं. डेट ऑफ राइटिंग, बिकॉज इट इज नॉट अ लेटर, मैंने अभी बताया था आपको. मैंने क्या बताया था, ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है, कार्ड में छपके आता है. ठीक है, तो जब कार्ड में छपके आएगा तो डेट ऑफ राइटिंग का तो सवाल ही नहीं होता. तो इसीलिए गलती से भी आप डेट ऑफ राइटिंग फॉर्मल इनविटेशन में, प्रिंटेड कार्ड में नहीं लिखेंगे. ओके, सिग्नेचर ऑफ द होस्ट, अगेन द सेम थिंग. कई बच्चे प्रॉब्लम करते हैं एंड में, स्टार्टिंग कर दिया, मिडिल कर दिया, लेकिन क्लोजिंग कैसे करें, वहां पे फॉल्टर कर जाते हैं. क्लोजिंग, सिंस दिस इज नॉट अ लेटर, दिस इज अ प्रिंटेड फॉर्मैट, सो प्रिंटेड फॉर्मैट में सिग्नेचर का सवाल ही नहीं उठता. ओके, पुट द इनविटेशन इन अ बॉक्स विच इज द मैंडेटरी थिंग. मैंडेटरी है कि आप अपना फॉर्मल इनविटेशन हमेशा बॉक्स स्टाइल में ही लिखेंगे. अगर आपने पूरा इनविटेशन बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिख दिया, आपकी लैंग्वेज सही है, आपका कंटेंट पूरा है, सारी इंफॉर्मेशन आपने दे दी, लेकिन क्या किया, बॉक्स बनाना भूल गए. तो अगर बॉक्स बनाना भूल गए तो कोई एग्जामिनर ऐसा हो सकता है कि जो उसके मार्क्स डिडक्ट कर ले, बिकॉज दिस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ अ फॉर्मल इन्विटेशन. डेफिनेटली मेरे जैसे एग्जामिनर होगा तो जरूर आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा. सो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस. ऑलराइट, अब ये तो बात हो गई हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्मल इन्विटेशन के लिए. अब कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी हैं जो मैं आपको अब बताऊंगी. सबसे पहली चीज है दैट यू राइट इट राइट इन सेपरेट लाइंस. ठीक है, राइट इन सेपरेट लाइंस. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम वापस से मैरिज फंक्शन कार्ड के एग्जांपल पे जाते हैं, आप जब भी मैरिज फंक्शन का कार्ड उठाते हैं उसमें ग्रूम का नाम अलग होता है, फिर नीचे लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एबीसी, फिर लिखा जाता है वेड्स, फिर लिखा जाता है मिस एक्स वाई जी. ठीक है, इसी तरीके से लिखा जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर सेपरेट लाइंस. हम एक ही सेंटेंस फॉलो नहीं करते, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, रन ऑन सेंटेंस यूज नहीं किया जाता, इट इज रिटन इन सेपरेट लाइंस. ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है दैट यू कैन यूज वेरियस फॉन्ट साइजेस. यू कैन यूज वेरियस फॉन्ट साइजेस. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फिर से हमको मैरिज कार्ड, मैरिज फंक्शन का कार्ड समझाएगा. उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ बहुत फैंसी फैंसी फॉन्ट्स उसमें यूज किए जाते हैं, कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने बोला इनविटेशन, ठीक है, तो ये बहुत बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है. ठीक है, फिर हमने बोला इज ऑन, ऑन बहुत छोटा सा लिखा हुआ है. फिर हमने बोला एट 8 PM, तो हो सकता है ये 8 PM बहुत छोटा सा लिखा है, ये ऑन जो है छोटा सा लिखा है, ये एट जो है छोटा सा लिखा है. क्या फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इट्स द इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो इनॉग्रेशन बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, इनॉग्रेशन बहुत बड़ा लिखा है. ठीक है, नीचे लिख दिया जनरल स्टोर, किसका इनॉग्रेशन है, जनरल स्टोर का, वो बहुत छोटा सा लिख दिया, इट इज रिटन इन अ स्मॉल फॉन्ट. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंटेड कार्ड है, जो आपका फॉर्मल इनविटेशन है, उसमें यू कैन प्ले विद वेरियस फॉन्ट साइजेस.
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉन्ट साइजेस आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो सोने पे सुहागा है, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो कहीं पे आप कैपिटल लेटर से बोल्ड में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको VIP का नाम बहुत प्रोमिनेंटली अपियर कराना है, कैसे करें, आप उसको कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, उसको एक बॉक्स में डाल दीजिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन यूज कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जिस भी तरीके से आपको लगता है कि मेरा जो इन्विटेशन है दैट इज क्वाइट प्रेजेंटेबल, उस तरीके से आप कर सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली प्ले विद द फॉन्ट साइजेस हियर। तो एक सेपरेट लाइंस में लिखना है, रन ऑन लाइन में नहीं लिखना है, और दूसरा फॉन्ट साइजेस डिफरेंट यूज करने हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात की कि अगर हमको बहुत सारे इनवाइटीज को बुलाना है फॉर्मल इनविटेशन के लिए, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि हमको किसी एक इंडिविजुअल को बुलाना है फॉर्मल स्टाइल में, ओके, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज अ फॉर्मल इन्विटेशन विच इज मेंट फॉर एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल को हम दे रहे हैं। बहुत सारे इन्वाइटीज के लिए तो हम पहले बात कर चुके हैं नंबर वन पॉइंट पे, ओके। सो हियर वी आर टॉकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। पिछली बार जब हमने बहुत सारे इन्वाइटीज की बारे में बात की थी तो हमने कहा था नेम ऑफ द इन्वाइटी इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे हम बोल रहे हैं नेम ऑफ द इन्वाइटी इज इंक्लूडेड, ठीक है। नेम ऑफ द इन्वाइटी इस केस में जरूर आएगा, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल को जा रहा है। अगर हमारे पास कोई इनविटेशन आता है और हमको ये ही नहीं मालूम कि भेजा किसने है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको वो फंक्शन अटेंड करना भी है कि नहीं, ठीक है। तो नेम ऑफ द इनवाइटी इज डेफिनेटली इंक्लूडेड हियर वेयर योर फॉर्मल इनविटेशन इज गोइंग टू एन इंडिविजुअल। ऑलराइट, नाउ अगेन रिमेंबर, लास्ट टाइम हमने बात की थी फॉर्मल इनविटेशन बहुत सारे इनवाइटीज को जा रहा है, प्रिंटेड फॉर्म में जा रहा है, कार्ड के तरीके से जा रहा है, तो इसीलिए उसमें क्या है, हमने सेपरेट लाइंस यूज की हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स यूज किए हैं। यहाँ पे योर इंडिविजुअल इनविटेशन इज रिटन इन रन ऑन लाइंस। अब रन ऑन लाइंस क्या हुआ? रन ऑन लाइंस हुआ जो आप सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I hereby invite you for a housewarming party at my house, my residence, and my address is so and so, and this is the date when this function is going to be held, right? So it's a complete sentence. It's a run-on sentence. It is not broken. It is not written in different segments or phrases. तो फ्रेजेस का, सेगमेंट्स का, ब्रोकन लाइंस का यूज नहीं करेंगे, कंप्लीट रन ऑन लाइंस का यूज करेंगे। ऑलराइट, तो यहां तक हमने बात की है कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्मल इनविटेशन के बारे में। अब एक क्विक ग्लैंस में देख लेते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके से होता है। जो ये लेआउट नजर आता है हमको प्रिंटेड कार्ड में, वो लेआउट कैसा नजर आता है, तो एक उसके बारे में बात कर लेते हैं, एंड देन वील मूव ऑन टू वन क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन समझ के पढ़ने में, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको इंक्लूड करनी है, और सारी इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट मी, सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके क्वेश्चन में ही दी गई होती है। 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर। जो 50% आपका काम है वो है उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से, सही फॉर्मेट में, सही लैंग्वेज में, सही ऑर्डर में प्लेस करना। तो डोंट वरी, सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, सुनने में लगता होगा कि पता नहीं क्या रॉकेट साइंस होने वाला है, बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रॉकेट साइंस एंड यू विल बिकम अ मास्टर ऑफ इट, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, तो अब हम उस सेक्शन में पहुंच गए हैं विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिक्वेस्ट, विच इज द फॉर्मेट, द लेआउट। इन्विटेशन लिखना है तो कैसे लिखना है? तो हमने अभी तक सारे बात कर लिए हैं, मेजर कंपोनेंट्स की बात कर ली, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, अब एक्चुअल प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि फॉर्मल किस तरीके से लिखा जाता है, फॉर्मल इनविटेशन, ओके। तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको लेआउट दिया है एक सैम्पल क्वेश्चन उठा के। मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन भी बताती हूँ और आपको रिलेट करके भी बताऊंगी कि क्वेश्चन में हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिली और यहाँ पे हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से किस जगह पे प्लेस किया,
ऑलराइट, तो यहां से आपको अपना लेआउट जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रिंटेड स्टाइल फॉर्मल इनविटेशन का, वो बेसिक लेआउट आपको यहां से मिल जाएगा. ओके, तो द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन मिला है वो है श्याम लाल एंड सन्स विच इज अ कंपनी एंड दैट इज वाई इट इज यूज, इट इज रिटन लाइक एमएस. तो आपके क्वेश्चन में भी ये एमएस इसी तरीके से लिखा है, एमएस श्याम लाल एंड सन्स. दिस इज द नेम विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. श्याम लाल एंड सन्स आर ओपनिंग अ न्यू जनरल स्टोर. सो श्याम लाल एंड सन्स अनाउंस द ओपनिंग ऑफ न्यू जनरल स्टोर गैलेक्सी नॉवल्टीज. सो अनाउंस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नॉवल्टीज. ठीक है, अभी गैलेक्सी नॉवल्टीज क्या है? इट इज अ जनरल स्टोर, इट्स ऑलरेडी रिटन देयर इन द क्वेश्चन. कहाँ है, व्हाट इज द एड्रेस? सो इट इज अ जनरल स्टोर इन गीतांजलि एनक्लेव द्वारका दिल्ली. सो दिस इंफॉर्मेशन, दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू वंस अगेन. श्याम लाल एंड सन्स आर ओपनिंग अ न्यू जनरल स्टोर गैलेक्सी नॉवल्टीज इन गीतांजलि एनक्लेव द्वारका दिल्ली. The inauguration ceremony. Inauguration, जब हम बात करते हैं कि invitation दे रहे हैं तो कोई occasion जरूर होगा. What is the occasion? The occasion here is inauguration. ठीक है, तो inauguration के लिए आपको invite किया जा रहा है. कब? On Sunday, the 19th of October 2020. This information is again in the question. It says the inauguration ceremony is fixed for Sunday, the 19th of October 2020 at 11 a.m. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दी है. नाउ द क्वेश्चन सेज प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन लेटर फॉर द पर्पस. ओके, तो अब आपका काम है इसको ड्राफ्ट करने का. तो यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में ही मिल गई है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. All we have to do is read the question properly and understand it one by one as to what are the clues, what are the hints that are given in the question. तो अब आप देखिए कि आपको मालूम है कि formal invitation आपको box style में लिखना है. आपको मालूम है कि जो tense हम use कर रहे हैं, this is a simple present tense that we are using. आपको मालूम है कि separate lines हमको use करनी है. दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको मालूम है दैट यू कैन प्ले विद द फॉन्ट्स, यू कैन यूज वेरियस फॉन्ट स्टाइल्स. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मालूम है. यू नो कि जो इनवाइटी होता है उसका नाम हम नहीं लिखते, सिग्नेचर नहीं आता, राइट? सो यही सारी चीजें हमने यहाँ पे ध्यान दे दी. हमने लिखा श्याम लाल एंड सन्स अनाउंस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नॉवल्टीज, अ जनरल स्टोर इन गीतांजलि एनक्लेव द्वारका दिल्ली. पर्पज क्या है? पर्पज है इनॉग्रेशन का. इनॉग्रेशन इज द ओकेजन. कब है? संडे को है, द 19th ऑफ अक्टूबर 2020. व्हाट इज द टाइम ऑफ द इनॉग्रेशन? किस टाइम पे जो इनवाइटी है उनको जाके इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड करनी है? दे हैव टू अटेंड इट एट 11 a.m. ठीक है, अब जो बात हमने अभी तक नहीं की थी वो ये था कि अगर हम सिग्नेचर नहीं डाल रहे एट द एंड ऑफ द इन्विटेशन, सो व्हाट इज इट जो हमको बॉटम में लिखना चाहिए? हाउ टू क्लोज द इनविटेशन. ये सारी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में मिली तो हमने ये सारा तो लिख लिया, लेकिन अब इसको क्लोज कैसे करेंगे? व्हाट शुड बी द एंडिंग लाइन ऑफ द इनविटेशन? ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड, क्योंकि हमने इन्विटेशन दिया है, सो ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड. विजिट फॉर ऑल काइंड ऑफ ग्रोसरी एंड डोमेस्टिक आइटम्स. क्या है ये? एक जनरल स्टोर का ओपनिंग है. हमको थोड़ा सा शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. एज अ शॉपकीपर हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारी दुकान में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हमारी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो. सो व्हाट अदर रीजन, कौन सा दूसरा दिन हो सकता है? इनॉग्रेशन तो सबसे अच्छा दिन है, लोग आएंगे, जितना हमारा फुटफॉल बढ़ेगा हमारा आइटम्स देखेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हमने बोला हमको कस्टमर्स को बताना भी तो है कि हमारे जनरल स्टोर में क्या क्या मिलता है. तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे दी है कि हमारे यहाँ पे आपको हर टाइप का ग्रोसरी और डोमेस्टिक आइटम मिल जाएगा. अब अगर मैं शॉपकीपर हूं, मेरे शॉप में बहुत सारे लोग भी आ गए,
वो शॉपिंग के इंटेंशन से भी आए या मैंने शायद हो सकता है उनको कन्विंस कर लिया है कि आप मेरे शॉप से जरूर कोई आइटम खरीद के जाइए, तो एज अ शॉपकीपर मेरा कुछ रोल बनता है यहाँ पे। तो मेरा रोल ये हो सकता है कि हो सकता है मैं उनको कुछ इनॉग्रेशन यहाँ पे डिस्काउंट दे दूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैं कैसे अट्रैक्ट करूंगी अपनी शॉप में बहुत सारे लोगों के आने के लिए, मुझे अट्रैक्ट करना है, तो मैंने बोला अवेल इनॉग्रेल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल गुड्स। सो दिस इज समथिंग विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आप चाहते हो लिखना तो आप लिख सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हो। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर इन्विटेशन में इस तरह का लिखना है, बट येस यू हैव टू राइट ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड बिकॉज इट इज एन इन्विटेशन लेटर। ओके, अब जो सबसे जरूरी बात आती है क्लोजिंग कैसे करें, तो क्लोजिंग में देर इज दिस अब्रीविएशन, एक फ्रेंच अब्रीविएशन है विच इज RSVP। ठीक है, दिस RSVP अब्रीविएशन स्टैंड्स फॉर प्लीज रिप्लाई, और या यू कहें कि प्लीज रिस्पॉन्ड, राइट। अब क्या होता है कि आपने इन्विटेशन दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिया है, और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखें तो एक नया जनरल स्टोर खुल रहा है। हमने एड्रेस तो जरूर लिख लिया कि गीतांजलि एनक्लेव है द्वारका दिल्ली में, वहां पे हमारा न्यू स्टोर है, ये तो हमने जरूर बता दिया, बट फिर भी लोगों को वो जगह ढूंढने में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। या हो सकता है कि अगर हम किसी स्पेशल इन्वाइटी को भेज रहे हैं, वो इन्वाइटी हमारा फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता है, तो वो कुछ तो हमको रिस्पॉन्स देगा। इसके लिए हम बोलते हैं RSVP प्लीज रिप्लाई, और यू कैन से प्लीज रिस्पॉन्ड। सो दिस RSVP इज अ फ्रेंच अब्रीविएशन विच इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर ऑफ योर इन्विटेशन। दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज द बॉटम कॉर्नर, यहां पे आप RSVP लिखते हैं, और RSVP के नीचे इज द नेम ऑफ द होस्ट जो बुला रहा है, नेम ऑफ द इनवाइटी, नेम ऑफ द होस्ट जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करा रहा है, उसका नाम आता है, उसका एड्रेस आता है, और उसका फोन नंबर आता है। यहाँ पे एड्रेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसीलिए दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट येस आपका नाम और फोन नंबर आएगा, सो दैट अगर किसी को लोकेशन में प्रॉब्लम है या कुछ और बात करनी है तो वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, तो ये हमने बात की, एंड द वन थिंग दैट यू कैन नोटिस हियर वेरी प्रोमिनेंटली इज दिस इज इन अ बॉक्स फॉर्मेट। तो ये बॉक्स ड्रॉ करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एंड वन टिप फ्रॉम माय साइड, जब भी आप बॉक्स बनाएं कभी भी हाथ से बॉक्स नहीं बनाएं, ऑलवेज यूज अ स्केल अ रूलर टू ड्रॉ दिस बॉक्स, इट शुड लुक नीट। आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, जब तक हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां तक एवरीथिंग इज ओके, बट हमको तो एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने हैं, हमको तो फुल मार्क्स गेन करने हैं, दैट इज आर मोटिव, राइट। तो फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे? फुल मार्क्स मिलेंगे जब आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही नीट एंड इट इज वेरी टाइडी। अगर आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे आपके मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं होंगे। कई बार एग्जामिनर को समझ ही नहीं आता कि आपने क्या लिखा है, तो हो सकता है वो आपके मार्क्स को कट शॉर्ट कर दे। सो हमको वी डोंट हैव टू लीव एनी रूम फॉर दैट, ऑलराइट। अब दूसरी बात ये है, कभी कभी क्या होता है कि हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी लेकिन हमने भी वही आंसर लिखा, और जिसने टॉप किया या जिसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए उसने भी वही आंसर लिखा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की, एक एक्स्ट्रा तड़का हमको जब लगाना पड़ता है, जो तड़का मैंने यहाँ पे लगाया है एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके कि मेरा जनरल स्टोर का ओपनिंग है, वहां पे आपको ग्रोसरी और डोमेस्टिक आइटम्स मिल जाएंगे, और क्या मिलेगा, और आपको इनॉग्रल डिस्काउंट मिलेगा 10% का। सो दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन। व्हाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू स्कोर फुल मार्क्स। मेरे चार नंबर मेरे इस क्वेश्चन में कहीं नहीं जाने चाहिए। एंड आई एम प्रिटी श्योर अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो आपके भी चार नंबर कहीं नहीं जाएंगे। देयर इज नो एग्जामिनर हु कैन डिडक्ट मार्क्स नाउ। ओके, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अभी हमने फॉर्मल इनविटेशन कंप्लीटली कवर कर लिया है।
अब हमारा बचता है इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ इनविटेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस रह जाते हैं, या अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा हो गया जो शायद मैंने मिस कर दिया है, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, जय हिंद।